क्योंकि देखो देव तो है नहीं और गुरु भी कभी कभी का संयोग मिलता है, प्रतिदिन का संयोग तो मिलता नहीं, लेकिन जिनवाणी एक ऐसा देव है कि जो हमें 24 घंटे रात को 3 बजे भी उठकर अगर हम जिनवाणी से कहें कि हमें प्यास लगी है तो बोलो आपको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जिनवाणी उठाकर देखें तो हमको आनंद मिलता है। आइए मंगलाचरण स्वरूप एक भक्ति करेंगे पंच परमेष्ठी भगवान की और उसके पश्चात आध्यात्मिक और भगवान महावीर की जयंती के हम सभी भक्ति करेंगे और आनंद लेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरीयाणम, नमो उवध्यायाणम, नमो लोये सौवसा तीन भुवन में सावीत राग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमो त्रियोग संहार के। बोली पंच परमेष्ठी भगवान की। आइए पंच परमेष्ठी भगवान की भक्ति करेंगे और भक्ति के बाद मैं पूछूंगा कि पंच परमेष्ठी भगवान में कौन कौन आते हैं, आप प्रश्न का उत्तर ख्याल रखकर रखना क्योंकि आज गिफ्ट का तो मेरे ख्याल से कोई कार्यक्रम है नहीं, लेकिन आपको गिफ्ट ऊपर से मिलेगा, चिंता ना करें। लेकिन भक्ति करेंगे तो जोरदार करेंगे क्योंकि अब आप बड़ी फैसिलिटी में बैठे हैं, कुर्सियों का इंतजाम हो चुका है तो आपको बहुत कन्वीनियंटली बिठाया गया है, तो आप बहुत आराम से और अंतकरण से भक्ति करेंगे। नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, नमोकार नमोकार महामंत्र नमोकार, अशुभाव से वो बच जावे, अशुभाव से वो बच जावे जो जप ले नमोकार, नमोकार नमोकार केवल ज्ञान में देखो लोका लोक मन आया,
पुरी का द्वार नमो कार नमो कार मंत्र नमो ताली नमो कार नमो कार अरे अश्वभाव से वो मच जावे नमो हरि पारम नमो नमो हरियाणम नमो किया और अविनाशी सुख प्रगटाया अक्ष कर्म का नाश किया और अविनाशी सुख प्रगटाया फिर से जग में जन्म न होगा ऐसा शाश्वत पद पाया फिर से जग में जन्म न होगा ऐसा शाश्वत पद पाया सिद्धों को आदर्श बना लो सिद्धों को आदर्श बना लो होंगे भव से नमो कार नमो कार भटक
आ रहे हैं, बोलिए अनादि से भटके चले आ रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, प्रभु के वचन क्यों नहीं भा रहे हैं, रुदन तेरा भवन में, रुदन तेरा भवन में सुने कौन जन। और बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े मिला जिन धर्म, हमारी कहानी है तुम्हारी कहानी है, बड़ी बेरहम, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। प्रश्न लगा दी होगी, एक इंद्र की आयु कितनी बताई मैंने? 2 सागर। और काल कितना है चौथा का? 1 कोड़ा कोड़ी सागर। एक करोड़ को 1 करोड़ में गुणा करो तो 1 कोड़ा कोड़ी बनता है, और उतने सागर। और सागर कितना? ये बम्बई वाला सागर नहीं, ये तो सागर का पानी है। सागर यहाँ पर काल का माप है, सागर माने काल का माप, कितना काल होता है।
वो कहते हैं कि एक योजन गहरा, एक योजन मोटा, एक योजन लंबा गड्ढा खोदा जाए और उसमें 7 दिन के मेंढे के बाल तोड़कर, और कितने तोड़कर कि जिसके इस बाल का दूसरा हिस्सा ना हो सके, ऐसे बालों को तोड़कर उस गड्ढे को भरा जाए, ठीक है, 2000 कोस का एक योजन समझ लो, ठीक है, उस गड्ढे को भरा जाए और उस गड्ढे पर चक्रवर्ती की सेना फहरा दी जाए, इतना दबा दबा कर उसमें बाल भर दिए जाएं और 100 साल बाद एक बाल निकाला जाए, 100 साल बाद एक बाल निकाला जाए और जब तक वो गड्ढा खाली होगा तब जाकर के एक, नहीं 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 सागर तो बहुत दूर है अभी, एक उद्धार पल्ले, फिर पल्ले हैं, फिर अर्धा पल्ले, ऐसे कर करके तब जाकर के ऐसे असंख्या वर्षों का एक कोड़ा कोड़ी सागर, एक सागर बनता है, ऐसे ऐसे एक कोड़ा कोड़ी सागर का चौथा कारण। अब देखो आप, 2 सागर की आयु 14 मिनट, तो कितने इंद्र निकल जाते होंगे, एक इंद्र के जीवन में कितने तीर्थंकर होते होंगे, बोलो, एक इंद्र के जीवन में फिर भी असंख्यात तीर्थंकरों का वो कल्याणक बना लेता है। भाई साहब यही क्या काम है, उत्तर दे दिया मैंने, आपने सुना ही नहीं। एक इंद्र स्वधर्म इंद्र जिसकी 2 सागर की आयु है और एक कोड़ा कोड़ी वर्ष का काल चौथा काल है, फिर भी अब एक कोड़ा कोड़ी में कुल 24 तीर्थंकर होने, एक कोड़ा कोड़ी सागर में कितने तीर्थंकर होंगे, कुल 24 होने, लेकिन मैं कह रहा हूँ एक स्वधर्म इंद्र अपने जीवन में असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक बना लेता है। कैसे, क्योंकि विदेश क्षेत्र में भी तीर्थंकर होते हैं और विदेश क्षेत्र में तो, क्योंकि नहीं नहीं वहाँ पर क्या होता है कि अकेले 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर नहीं होते, वहाँ 2 कल्याणक वाले होते हैं, 3 कल्याणक वाले होते हैं, ठीक है। अच्छा आप पूछेंगे कि वहाँ की तो आयु बहुत होती होगी, वहाँ की आयु ज़्यादा से ज़्यादा कितनी, 1 करोड़ पूर्व की आयु है, कितनी आयु है 1 करोड़, और 1 पूर्व सागर के सामने बूंद के बराबर है, सौधर की आयु 2 सागर की, सागर के सामने पूर्व जरा सा, तो ऐसे असंख्यात तीर्थंकरों का। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात सुनना, हम भजन शुरू कर रहा हूँ, आप चिंता ना करना, लेकिन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, विदेह क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याणक मना लेता है, लेकिन भरत क्षेत्र की अपेक्षा, सुन लीजिए, भरत क्षेत्र की अपेक्षा एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर में असंख्यात सौधर्म बदल जाते हैं, क्यों, क्योंकि आदिनाथ से जब अजितनाथ आए, सुनना ध्यान से, आदिनाथ मोक्ष चले गए और अजितनाथ का जन्म हुआ, इतने बीच में कितना काल बीत गया पता है आपको, आधा चौथा काल निकल गया, माने 50 करोड़ सागर निकल गए। तो एक तीर्थंकर से दूसरे तीर्थंकर के बीच में भरत क्षेत्र की अपेक्षा असंख्यात इंद्र बदल गए, लेकिन विदेह क्षेत्र की अपेक्षा एक इंद्र असंख्यात तीर्थंकरों के कल्याण मना लेता है। आपको कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, तो फिर एक बार जोरदार तालियां बजाए, इतनी आनंदमय चर्चा है, एक बड़ा आनंदमय जिन धर्म है, आप कल्पना नहीं कर सकते, 24 घंटे भी अगर मैं आपको लेकर बैठ जाऊं, आपको एक छपकी नहीं आ सकती रात भर, इतना आनंद भरा पाए जिनवाणी पढ़ने वाला चाहिए। ये जो ग्रंथ मैं लेकर बैठा हूँ ये कोई सामान्य ग्रंथ नहीं है, 40-40 साल भी इस ग्रंथ को लगातार पढ़ा जाए तो भी भाई साहब बता नहीं सकते, इतनी गहराइयाँ, इतना अंतरंग से इसने हमारे हित की बात लिखी है, समय साथी ग्रंथ महाप्रभु। चलिए, और जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, वो 3 लोक के, वो 3 लोक के देखो सिर ताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, आपकी ताली में मजा नहीं आ रहा, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए, दो दर
दिखलाया, लेकर स्वयं अकर्ता मुझको अकर्तत्व समझाया, लेकर स्वयं अकर्ता मुझको अकर्तत्व समझाया। उधर की दिगंबर चोला मुनिराज हो गए, जिनको जिन धर्म सिखाया जिन राज हो गए, जिनको जिन धर्म सिखाया जिन राज हो गए। देखो तीन लोक के वो तीन लोक के देखो सिर ताज हो गए, जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। बोलिए जिनको जिन धर्म सुहाया जिन राज हो गए। द्वासा चिन्मणी माता की और क्षमा भाव प्रगटाया, ये तो सबके काम की बात है, सबको बोलनी चाहिए। क्रोध भाव का नाश किया और क्षमा भाव प्रगटाया, दिव्य दृष्टि से देखा तो परमात्मा स्वयं ही आया, दिव्य दृष्टि से देखा तो परमात्मा स्वयं ने आया। जो पड़े अधूरे साधक को जिनने साध बनाया। शब्द थोड़े कठिन लग सकते हैं आपको, लेकिन समझने की कोशिश करना तो आपको आनंद आएगा। हाँ, निज साधन से निज साधक को जिनने साध बनाया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया, जंगल में मंगल स्वरूप निज आत्म तत्व को ध्याया। वो खेल खेल में जीने दो तो सब समझ जाते हैं, लेकिन जीना हर किसी को नहीं आता। जो भाव कर्म या भाव मरण सदियों से करता आया, मैं करता आया हूँ, कर रहा हूँ अभी भी। बोलो अभी भी हम मर रहे कि नहीं मर रहे? अभी पिछले ही हफ्ते बाल आश्रम दरियागंज में एक उठावनी थी, वहाँ मुझे बोलने का अवसर मिला, तो अचानक ही मेरे दिमाग में बात आई वेद भाई साहब कि जब अंतिम सांस टूटी तो वो आयु का अंतिम
कण था, अंतिम निषेक, जीवाणी की भाषा में कहें अंतिम निषेक था। भावना जी आवाज आ रही पीछे, आयु के निषेक होते ना, तो ऐसे ही मान लो कोई 70 वर्ष की आयु लेकर आया, तो अंतिम निषेक जब खिल गया, अंतिम निषेक छूटा तो देह छूट गई। तो अंतिम निषेक जब छूटा तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जब जन्म लिया था, जन्म से लेकर तब तक, तब भी तो एक एक निषेक खिल रहा था, अभी भी तो निषेक खिल रहा है। वैसा हमारी आयु कम हो रही कि नहीं हो रही है, यानी अभी घर जाने के बाद शुरू होगी? नहीं नहीं, अभी भी हर वक्त आयु कम हो रही है, निषेक निषेक खिल रहे हैं अभी भी, तो अभी हमें कुछ नहीं लग रहा। वो तो अंतिम निषेक था, वो खिल गया, और खिल गया तो आयु पूरी हो गई, इसमें आश्चर्य क्या करना है। वो अंतिम निषेक के खिलने पर हमें हाय 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 मस्ती है, लेकिन अभी जो हमारे निषेक व्यर्थ जा रहे हैं, अभी हमें कुछ विचार नहीं आता। अभी तो बढ़िया सूट बूट पहन के, टाई वाई लगा के, एसी में बैठ के और आनंद लो। विचार करो, एक एक क्षण करके निकल रहा है, और ऐसे ही अंतिम जवाब है। तो जितना जितना हम इस मनुष्य पर्याय का सदुपयोग कर सकें हमें करना चाहिए, बहुत कीमती समय है। चाहिए अभी एक भक्ति करेंगे, क्योंकि भगवान का जन्म महोत्सव है, आध्यात्मिक तो सुनेंगे ही, क्योंकि मुझे पता है शक्ति नगर में अध्यात्म के रसिया बहुत हैं, लेकिन बीच में भक्ति भी करनी है। जन्म में महोत्सव आ गया, देखो 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 जी आनंद छा गया। Thank you.
जो भी होगा होने योग्य होगा, अनहोनी कभी नहीं होगी। चलिए, मैंने भी भगवान का जन्म महोत्सव मनाने का निर्णय लिया इस साल। मैं कैसे मनाऊंगा वो आपको बतला देता हूँ। आप अपना जैसे मनाएंगे मना ही रहे हैं, लेकिन मैं कैसे मनाऊंगा वो आपको बता दूँ। कुछ ही वर्ष पहले मैंने पंक्तियाँ लिखी थी, मैं वीर जन्म के उत्सव पर, कोई ताली नहीं बजाएगा, ध्यान से सुनना। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। मैं वीर जन्म के उत्सव पर, कलेजे वालों का सीना है। हम नहीं चाहते कि एक भी जीव संसार में रह जाए, सारे जीव भगवान बन जाए। इस जग के सारे प्राणी भगवान बन जाए। अरे बोलो, इस जग के सारे प्राणी, और सब जीव सभी को जीने दो, संभव
होगी बाद में क्या करूंगा ये अपना सीक्रेट में आपको बता रहा हूँ। ओम धर्म की प्रभावना, जिन धर्म की प्रभावना दिन रात करूंगा, जिन धर्म की प्रभावना अकेले दिन में नहीं और ध्यान देना, दिन धर्म की प्रभावना दिन रात भाई साहब रात में क्या करोगे आप? दिन में तो चलो हम जुलूस निकाल लेंगे, रात में क्या करोगे? रात में प्रभावना कैसे करोगे कि रात को मैं जल तक ग्रहण नहीं करूंगा, ये जिन धर्म की प्रभावना है। जिन धर्म की प्रभावना दिन रात करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा, मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। बोलिए, मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। एक साथ अहिंसा के पुजारी का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हिंसा करते हैं उसी दिन। काय का हिंसा के पुजारी विचार करना, और कल भी अहिंसा के पुजारी का जन्म है, विचार करने में आना जाना चाहिए कि आज के दिन तो कम से कम एक भी जीव की हिंसा मुझसे ना हो जाए। अब बुद्धि पूर्वक हो तो हो, लेकिन बुद्धि पूर्वक तो ना हो जाए। हो हिंसा किसी भी जीव की मुझसे ना हो जाए, बोलिए हिंसा किसी भी जीव की मुझसे ना हो जाए। क्यों ना हो जाए? इसलिए नहीं कि क्योंकि वो करुणा का पात्र है, इसलिए नहीं। भाई साहब ध्यान से सुनना, क्यों नहीं हो जाए हिंसा विचार करना। आज मैं आपको बताकर जाऊंगा कि हिंसा हमें क्यों नहीं करनी है? कि हिंसा किसी भी जीव की मुझसे ना हो जाए, ना जाने कब वो जीव एक दिन सिद्ध बन जाए, ना जाने कब वो जीव एक दिन सिद्ध बन जाए। और हिंसा में मूल प्रमाद का, हिंसा में मूल प्रमाद का अवनाश करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। बोलिए, मैं वीर जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा, दुखमयी जगत में फिर से ना अब जन्म धरूंगा। अनेकांत समझाया, हे वीर तुमने मुझको अनेकांत समझाया। और सबसे अधिक महत्वपूर्ण करने योग्य कल के दिन क्या कर रहे हैं? ओ मैं स्यादवाद से तत्वों का अभ्यास करूंगा,
अद्वैतवाद से तत्वों का अभ्यास करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। मैं तीन जन्म के उत्सव पर संकल्प करूंगा। दुखमयी जगत में फिर से ना मैं जन्म धरूंगा। ये प्रोग्राम है मेरा नाम तो आप लोग विचारना ये सब आपका तो समय नहीं मिलेगा। तब सुबह वहाँ जाना है, दोपहर को वहाँ जाना है, शाम को वहाँ जाना है। आप तो अपनी कहके चल दिए भैया, एक घंटा तो अपने लिए निकालना, एक घंटा तो अपने लिए निकालना। देखो बहुत चाहिए। तैयारी हो गई शिवपुरी की।
बेटा दिगंबर। ये तो आवाज जोर से आनी चाहिए। मैं न दिगंबर ना श्वेतांबर, बोलिए मैं न दिगंबर ना श्वेतांबर। कौन हो फिर? मैं चेतन हूँ ज्ञान समुंदर, मैं चेतन हूँ ज्ञान समुंदर। ये हो भावना जन जन की, ये हो भावना जन जन की। मोहे लागी मोहे लागी हर जीव
दिए प्रभु लिए तुमने हाथों पे भाई आपका समय अभी हाथ पे हाथ धरने का पैटर्न नहीं आया, आप तो कम से कम हाथ पे मत धरो अभी। ओ इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे कोई ना दे सकता है इस जग में किसी का साथ, बोली कोई ना इस जग में किसी का साथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे हाथ, इसीलिए प्रभु रख लिए तुमने हाथों पे। और सुना है शरणागत भव्यों को मुक्ति मार्ग बतलाते, सुना है तुमने सुना है भव्यों को तुम प्रभु मुक्ति मार्ग बतलाते, भोगों में सुख नहीं है प्रभु सच्ची बात बताते, भोगों में सुख नहीं है प्रभु सच्ची बात बताते, अमृत में दिव्य ध्वनि की ओ, अमृत में दिव्य ध्वनि की करते हो तुम बरसात, अमृत में दिव्य ध्वनि की करते हो तुम बरसात, तुमने जगत निहारा वीत राग भावों से जिनवर तुमने जगत निहारा। देखो भगवान भी जगत को देख रहे हैं और हम भी जगत को देख रहे हैं, तो हमारे देखने में और भगवान के देखने में कुछ अंतर है क्या? क्या अंतर है? हम राग से देख रहे हैं और वो वीत राग से देख रहे हैं। ये समझ लो मोबाइल रखा हो यहाँ पर, तो मोबाइल यहाँ जब तक रखा है तब तक मेरे दिमाग में चलेगा मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल मेरा मोबाइल, और मान लो मेरी आंखों से ओझल हो गया और क्या होगा? कहाँ गया ढूंढो सुनील जी भाई साहब ढूंढो मेरा मोबाइल कहाँ गया, क्या हो गया? वो राग चल रहा मेरा मेरा मेरा, और भगवान भी उस मोबाइल को जान रहे हैं, लेकिन कैसे जान रहे हैं? जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है, जड़ की परिणति जड़ में हो रही है और चेतन की परिणति चेतन में। अरे वीत राग भावों से प्रभुवर तुमने जगत निहारा, वीत राग भावों से प्रभुवर तुमने जगत सहारा है, अंतर में अपने चैतन्य प्रभु का लिया सहारा, हो धन्य आप है जिनवर, हो धन्य आप है जिनवर छोड़े सब पुण्य रूपा। क्या क्या छोड़ा? पुण्य भी छोड़ दिया कमाल। अच्छा हमें भी छोड़ना है या नहीं छोड़ना? देखो छोड़ने की भाषा कही जा रही है लेकिन वास्तव में छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। क्या होता है? छोड़ने में कर्तव्य है और छूटने में भीत रखता है। तो बोलो छोड़ना कि छूटना? छूटना। जैसे मान लो किसी ने आलू नहीं खाए तो जब तक उसको ये रहेगा मैं आलू नहीं खाऊं, मैं आलू नहीं खाऊं, मैं आलू नहीं खाऊं, कोई भी मिला सब हमारा तो आलू बत्या गया। हम किसी के घर गए उनने आलू की नमकीन रख दी सब हमारा तो आलू बत्या गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ वो आलू खाता है कि नहीं खाता है? जिंदगी भर खाने का अहंकार किया और अब त्याग दिया तो त्याग का अहंकार किया, तो फिर कहाँ छोड़े आलू? पहले खाया 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 और अब छोड़ा छोड़ा छोड़ा। लेकिन तूने भैया आलू का लक्ष्य छोड़ा ही क्यों नहीं? लक्ष्य छोड़ना था, लक्ष्य छोड़ा नहीं, इसलिए कहते हैं अरे वीत राग भावों से प्र...
विषयों की अभिलाषा लेकर जो भीतर पर आते हैं। ओ अब ध्यान से सुनना, भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। बोलिए भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर। जगत में एक भी दरबार ऐसा नहीं होगा कि जहां भिक्षुक बनकर आए और भिक्षुक ही बनकर ना जाए, लेकिन ये दरबार ऐसा है कि जहां भिक्षा लेने आएगा तो दीक्षा लेकर जाएगा। ऐसा कोई प्रसंग ध्यान है आपको? कोई प्रसंग ध्यान को बताओ, घटना कोई घटी हो, गौतम स्वामी की घटना याद नहीं? अरे भगवान के सम्मुख में चौड़े होकर आए थे ना, मैं देखता हूँ तुम्हारे गुरु कौन है, इंद्रभूति, मैं देखता हूँ कौन से तुम्हारे गुरु हैं, मोक्ष मार्ग से नेताराम, मैं देखता हूँ तुम्हारे गुरु कौन है। और जैसे ही वो भगवान के समर्षण में प्रवेश किया, सौ मानस स्तंभ देखा, मान खंडित हो गया, अभी भगवान के पास पहुंचे भी नहीं और कपड़े उतार गए, दीक्षा ले ली और भगवान के पास पहुंचते पहुंचते चार ज्ञान के धारी हो गए। वो मिथ्या दृष्टि इंद्रभूति भगवान के पास पहुंचा तो गणधर बन गया। अरे भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर जाते हैं। बोलिए भिक्षा लेने आते हैं और दीक्षा लेकर। सिद्धों से एक दिन होगी, सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। और अंतिम पंक्ति जो मेरी भावना की मुझे बहुत आंदोलित करती है, कौन सी पंक्ति? बनकर सब युग वीर जैसे देशोन्नति रतना करे। और अंतिम पंक्ति क्या है भैया? वैसे बोलो अंतिम पंक्ति मेरी भावना की। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करे। विश्व में इससे बड़ी दवा किसी के पास नहीं होगी कि वस्तु स्वरूप का विचार करके सारे संकट दुख नाश हो जाते हैं। वो अमर हो गए की दशा में पत्थर हम बने रहे। बोली मिथ्यात्व की दशा में पत्थर हम बने रहे। और अब सुनना, पत्थर को मूर्ति कर गए वो लोग और थे, पत्थर को मूर्ति कर गए वो लोग और थे। जड़ पर झुके अनादि से चैतन्य के लिए, जड़ पर झुके अनादि से चैतन्य के लिए। और जग को झुका गए वो लोग और थे, जग को झुका गए वो लोग और थे। और आडंबरों का बोझ ढोने में जग लगा। बोलो कहां नहीं आडंबर? जगत में तो करता ही था, धर्म क्षेत्र में आया तो भी
आडंबरों में फंस गया। आडंबरों का बोझ ये ढोने में जग लगा, और हम आडंबरों में रह गए। जो हो गए दिगंबर वो लोग और थे, जो हो गए दिगंबर वो लोग और थे। और कुटिया की थी जरूरत महलों की चाह की, क्या कहा? कुटिया की थी, आप लोग सो कर ही गए, जाग रहे हो कि सो रहे हो? जागते हैं ना, ये सोने का समय नहीं है। कि कुटिया की थी जरूरत और महलों की चाह की, और हम कुटिया और महलों में अटक गए। जो देह को भी तज गए वो लोग और थे, जो देह को भी तज गए वो लोग। और याद करता हूं संतों को कि मनमानी छोड़ के हमें जिनवाणी दे गए, बोलिए मनमानी छोड़ के हमें जिनवाणी दे गए। अमृत पिला गए वो लोग और थे, अमृत पिला गए। पता है किसका ग्रंथ है ये, किसने लिखा है? समय सर किसने लिखा है? हाँ, कुंद कुंद आचार्य, जिन्होंने 2000 वर्ष पहले इसी भारत भूमि पर जन्म लिया, उन कुंद कुंद स्वामी को याद कर रहा हूँ। कि अमृत पिला गए वो लोग और थे, और अंतिम है मुझे दीनहीन पामर सारा ये जग कहे, मुझे दीनहीन पामर सारा ये जग कहे। अंतिम पंक्ति में आप सबका ध्यान चाहूंगा, भगवान मुझको कह गए वो लोग और थे, भगवान मुझको कह गए वो लोग और थे। वो लोग कुछ और ही थे जो कह गए कि तू भक्त नहीं, भगवान मान मत लेना अपने आपको। कहां से मानना है भगवान ये समझना, कि मैं स्वभाव से भगवान हूं, पर्याय से भली है भगवान नहीं, लेकिन स्वभाव से भगवान। जैसे हर व्यक्ति के अंदर प्रधानमंत्री बनने की योग्यता है, भले ही प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन मैं भी कह सकता हूँ कि मैं भी प्रधानमंत्री हूँ। किस अपेक्षा से? योग्यता से, बनने की योग्यता से मैं प्रधानमंत्री कह सकता हूँ, लेकिन पर्याय में नहीं अभी भगवान। जब पर्याय में बनेंगे तब बनेंगे। चलिए डांडिया का किस किस का कार्यक्रम है? Thank you.
जाऊंगा।